अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक वेजिटेबल पे है और इस वेजिटेबल के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसको मैंने किस तरीके से ग्रो किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है वो लॉन्ग बीन या रेड बीन या जिसे किडनी बीन भी कहा जाता है या लाल लोबिया भी जिसे कहा जाता है, उस हवाले से आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे माशाल्लाह से लाल लोबिया की जो वाइन है, इसको मैंने यहाँ पे, ये जो मेरा एक वेस्ट वाटर कूलर था उसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया है और इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। आप इसको साल में दो दफ़ा जो है वो सीड से ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए कहीं कोई स्पेशल सीड आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो घर में आपकी ग्रोसरी आती है उसमें जब लोबिया आता है लाल वाला, तो आप उसके कुछ दाने लेके और उसको इस तरह से किसी भी पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने जो लाल लोबिया है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ, ये देखिए, कुछ निकाल के मैंने शेयर किया है। तो इसी तरह से इसी लोबिया को लेके और मैंने यहाँ पे इसको इस वाटर कूलर के अंदर जो वेस्ट था मेरे पास, इसके अंदर मैंने इसको ग्रो कर दिया है। अच्छा, जब मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रॉबेरी की अपडेट की वीडियो शेयर की थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था ये उस टाइम पे ये ग्रो हो रहा था, मतलब इसकी जो सीड से जर्मिनेशन थी वो उस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी। जिस तरह से लगाते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। सिंपल सीड लेके और मैंने सॉइल के अंदर इसको डाल दिया था और उसके बाद इसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो 5 से 6 दिन के अंदर आई थिंक ये निकल आया था और फिर इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी वाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये देखिए, ये ऊपर तक मैंने एक बांस का डंडा था तो मैंने लगा दिया है, तो अब ऊपर तक इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। अच्छा, इसको लगाना बहुत आसान है। साल में दो दफ़ा आप इसको लगा सकते हैं, फरवरी मार्च के बाद आप इसको लगा दें, और इस टाइम पे मैंने भी इसको लगाया था, और दूसरा बरसात के मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। रेनी जो सीज़न होता है उसके अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो तब भी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छा, इसके अंदर कोई पॉलिनेशन का भी इशू नहीं होता, क्योंकि हम कई दफ़ा वेजिटेबल्स को लगाते हुए हेजिटेट होते हैं कि पॉलिनेशन के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ जाते हैं, तो हाँ, पता नहीं हमारा जो वेजिटेबल है वो फ्रूटिंग पे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं होता। इतनी तेज़ी से ये ग्रोथ करती है और इतनी जल्दी इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है कि ये देखिए, ये आपके सामने ही मैं शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे भी इसका फ्रूट है, ये देखिए, और यहाँ पर भी इसकी ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर भी ये देखिए इस तरह से भी, और छोटे छोटे काफ़ी सारी यहाँ पे फलियाँ जो है वो बन रही हैं। ये देखें, यहाँ पे भी बन रही हैं, साथ साथ ये देखिए इस जगह पे भी बन रही हैं। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा केयर का इशू नहीं होता, सिर्फ ये है कि जिस भी पॉट के अंदर आप इसको लगाएं, पॉट आपने इसको बड़ा ऑफ़र करना है, क्योंकि बड़े पॉट में ये होता है कि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती है। तो मेरा, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी गहरा जो है वो मेरे पास ये वाटर कूलर है और इसके अंदर तकरीबन सारा फर्टिलाइज़र है, थोड़ा सा ऊपर मिट्टी की जो है वो मैंने तय बिछाई थी जब मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ लगाई थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लगाई मैंने स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये तो दो सीड मैंने वैसे ही इसके अंदर, तीन सीड आई थिंक मैंने डाले थे, तो तीन में से दो जर्मिनेट हो गए थे। अब ये इतना घना हो चुका है कि मुझे पता नहीं है कि तीन सीडी जर्मिनेट हुए या दो सीडी जर्मिनेट हुए या तीन हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ये घना हो चुका है। तो अब ये है कि इसकी ग्रोथ तो अच्छे से चल रही है यहाँ पे, और माशाल्लाह से आप खुद इसको देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, किसी किस्म की कोई इसके ऊपर बीमारी वगैरह भी नहीं है, और जो फ्रूट है वो भी, वेजिटेबल जो है वो भी हमारी अच्छे से बन रही है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर डाला हुआ है फर्टिलाइज़र, तो अब इसको मज़ीद, अगर आप चाहें, अगर आपके पास बड़े साइज़ का पॉट अवेलेबल हो, कोई पेंट की बकेट हो, आप उसके अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। लोकेशन की जहाँ तक बात है तो ये फुल सन में, मतलब इस टाइम पे थोड़ा सा सूरज दूसरी साइड पे ग़ुरूब होने वाली साइड पे चला जाता है, तो मगरिब की साइड पे हो जाता है, लेकिन ये है कि 1 बजे तक या 2-2.5 बजे तक, 3 बजे तक जहाँ पे अच्छी खासी धूप रहती है, तो फुल सन को ये पसंद करती है। शेड में मत इसे लगाइए, फुल सन के अंदर लगाइए। वाटर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं पानी इसको डेली बेसिस पे देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ मज़ीद प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो ज़ाहिर है जब एक पॉट के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हों तो फिर उनके पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है, हर प्लांट को अपनी पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए अगर आप इसको पानी अच्छे से देंगे तो जाहिर है फिर इसके अंदर जो है वो जो इसका फ्रूट बनेगा या जो वेजिटेबल बनेगी वो भी अच्छे तरीके से बनेगी। तो खुशी मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। मैं आमतौर पर कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँ जो ईज़ी टू ग्रो हो, ईज़ी टू मेनटेन हो, कि इसको बहुत ज़्यादा जो
प्लांट्स नखरे करते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर होती है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही ना करूँ, क्योंकि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो फिर लगाते हुए भी बंदे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं अब इसकी केयर किस तरह से मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप भी इसी तरीके से घर की जो ग्रोसरी है उसमें से रेड बीन्स जो हैं उनको ला के इस तरह से लगा सकते हैं। और मुझे ये तो मालूम है फ्रेंड्स कि मेरे घर की ज़रूरत के लिए तो ये चीज़ काफ़ी नहीं है, लेकिन ये है कि एक फ़र्स्ट टाइम मैंने एक चीज़ ग्रो की थी और इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप इसको ज़्यादा पैमाने पे लगाना चाहते हैं, 8 से 10 इसकी वाइंस लगा लें या 10-15 वाइंस लगा लें, अगर आपके घर में रेड बीन्स को बहुत शौक़ से खाया जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि रेड बीन्स के फ़ायदे या किडनी बीन्स के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये एक तरह से गोश्त का जो सब्सिट्यूट है वो भी इसको कहा जाता है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके अंदर अगर खून की कमी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेड बीन्स का सैलड बनाइए, इसका सालन बनाइए, इसको जिस तरीके से भी आप खाना चाहें, इसकी चाट बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होती है। तो किसी न किसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और किडनी बीन्स इसे इसलिए कहते हैं, आई थिंक इसकी जो शेप होती है सीड्स की वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किडनी की होती है, यानी गुर्दे की, ये देखिए। तो शायद इसी वजह से इसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है, लाल लोबिया भी कहा जाता है, काफ़ी सारे इसके नेम्स हैं, और रेड बीन्स तो कहा ही जाता है। तो आई होप कि मैंने अपनी जो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है और आपको ये पसंद आई होगी, और आप भी, अभी तो सीज़न क्योंकि इसका गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस टाइम पे ग्रो करने का इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाली बरसातों में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। घर की जो वेजिटेबल है उसका तो कोई मुकाबला कोई चीज़ कर ही नहीं सकती अगर आप घर में ग्रो करते हैं इस तरह से। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैमाने पे इसको ग्रो कर सकते हैं, बड़ी बकेट्स होती हैं पेंट की, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से उसको फर्टिलाइज़ करें और उसके अंदर अच्छा सा फर्टिलाइज़र डाल के और फिर इनको ग्रो कर दें, तो आपके घर की जो ज़रूरत है उसके लिए भी काफ़ी सारी रेड बीन्स या लोबिया जो है वो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।